जिला उद्योग बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त उद्योग राजकुमार सिंह, एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी व उद्योग बंधु मौजूद रहे। बैठक में उद्योग बंधुओं की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई तथा उसके त्वरित निस्तारण की रणनीति तैयार की गई। इसी के साथ उद्योग बंधुओं को शासन की नई गाइडलाइन से अवगत कराया गया। छः नंबर में सर जो है कि हमारे यहाँ से जो है कि इंडस्ट्री में उद्योग आधार मेमोरेंडम जो है जारी होता है। सर ये है कि जो इंडस्ट्री जो है, अगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है, अगर वो अपना एक लेटर ऑफ इंटेंट देती है कि नहीं मैं इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहा हूँ, तो वो एक प्रपोजल देते हैं, तब उस आशय को हम लोग जो है कि आगे फॉरवर्ड करते हैं जो है कि आपको किस किस चीज़ की किस डिपार्टमेंट से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे उनको NOC चाहिए या पोल्यूशन से जो है, या फंडिंग चाहिए बैंक से जो है, या लैंड चाहिए, तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो है वो अपना एक आशय जो है देते हैं, तो उसको हम लोग रजिस्टर करा करके उनको प्रमोट करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए। सारी होती है जो है सर, जो एक्चुअली ये चीज़ें जो है नेक्स्ट सर जो है कि हमारी ऐसा जो है उस पर अब जो है कि उद्यमी रजिस्ट्रेशन हो गया है। पहले सर जो है कि UAM था, उद्योग आधार मेमोरेंडम, जो लोग इंडस्ट्री के लिए उन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन अगर करा रखे हैं, मेमोरेंडम फाइल कर रखे हैं, वो लोग भी कर सकते हैं, और जो लोग नहीं किए हैं, जो नई यूनिट हैं, वो भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। सर सर जिसका जो आधार पहले से लिया हो उसको फिर से कराना पड़ेगा? हाँ, फिर से कराना पड़ेगा। पुरानी गाय के लिए? हाँ, क्योंकि डेफिनेशन भी चेंज हुए हैं ना हमारे, सर जो है MSME की डेफिनेशन भी चेंज हुई है। उसमें पहले जो है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम हैवी की अलग अलग प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था जो है, इस चीज़ से जो है कि ग्रुप में हमने सेंड कर दिया है, तो पूरा और उसमें एक फ्लो चार्ट बना हुआ है सर जो है कि कैसे कैसे स्टेप वाइज आपको जो है ऑनलाइन करने में, उसमें 900 रुपये रजिस्ट्रेशन का फीस भी मांगता है। और दूसरी बात कि जब ऑनलाइन करने के लिए जाता है आदमी, तो उससे रजिस्ट्रेशन नंबर, GST नंबर और GST नंबर मांगता है, बैंक अकाउंट डिटेल मांगता है। तो नया उद्यमी जब जब तक कि सेटअप नहीं होगा तो GST लेगा क्यों? और जो रजिस्टर्ड कर रही है उसमें उद्योग आधार पुराना अगर है नहीं, उसके लिए अलग एक कलम दिया हुआ है। कोई किसी के अंदर आप जब उसको खोलेंगे पेज को जी, वो आपको बताता हुआ चलेगा, और समस्या अगर कहीं आ रही है तो ऑफिस में आप लिंक कर सकते हैं। हमारा हेल्प डेस्क भी बना हुआ है।